साधु संग मिलने से हरि भक्ति होता है। भक्तिस्तु भगवत भक्तो संगेनो परिजायति, भक्ति भगवत भक्त का संग से ही होता है, भगवत भक्त संग बगैर भक्ति होता नहीं। अभी इतना बात बता दिया साधु का एक प्रसंग से, तो उन्होंने बोला साधु से सुनने के लिए, तब तो माता दोबारा सवाल की, मैं साधु कैसे पहचानूंगी, क्या पहचान है? तब तो उन्होंने बोला तितिक्षव, सहनशील, कोई सवाल करे गुस्सा होगा, कुछ करे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। कैसा सहनशील? जैसा गन्ना को टुकड़ा टुकड़ा करे या मशीन में पिसाई करे मीठा रस ही निकलता, कड़वा खट्टा रस नहीं निकलता। सोने को बार बार जलाओ आग में, वो उजाला होता है, काला पड़ता नहीं। चंदन को घिसाई करो, क्या निकलता है? खुशबू। कभी बदबू निकलता है? नहीं निकलता, क्योंकि उनका स्वभाव है। इसी माफी साधु को स्वभाव ऐसा है, किसी अवस्था में उनसे कभी नुकसान किसी को होगा नहीं। क्या जोगाई माधाई नित्यानंद प्रभु को सेवा करने के लिए गया था? सिर फोड़ा, लेकिन उनसे उनका मंगल हुआ कि नहीं? नारद का पास लूटने के लिए गया था, लुटेरा रत्नाकर, और उन्होंने उनका मंगल कर दिया। वो तो विश्वास नहीं किया पहले, वो बोलता है ये क्या? उन्होंने बोला तुम जो पाप से धन कमाते हो, ये पाप का फल जो दुखदायी है ये तुम्हें मालूम है? तो उन्होंने बोला मैं रत्नाकर हूँ, आप मुझे डरा के मेरे हाथ से भाग जाओगे ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं छोड़ने वाला नहीं। बोला मैं भागने वाला भी नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा धर्म पत्नी, तुम्हारा पिता माता सबको पूछताछ करके आओ, वो तुम्हारा इसका भागीदार बनेगा या नहीं। मतलब अच्छी बात, ऐसा बोल गया मुझे भागा के चला जाओगे? बोले नहीं मैं जाने वाला नहीं, बोल विश्वास मुझको पेड़ का साथ बांध के चला जाओ। इसलिए गंभीर जंगल में उनको लायक ले जाकर के उल्टा करके बांध के रखो, जैसे दांत से भी नहीं काट सके, भाग ना जा सके। वो जाकर के पिता माता से पूछा मैंने जो पाप से धन कमाता हूँ, आप लोग उनको सेवा के लिए आप लोग हमारा इस पाप का हिस्सादार बनोगे या नहीं? क्यों हिस्सादार बने? जब तुमका कुछ कहने के लिए ये नहीं था, सिर्फ रोते हैं, जान बुझ के दूसरे को पूछताछ करके तुमको बड़ा किया, और आज तुमने पाप का भागीदार बनाने के लिए आ गया, ये कैसे होगा? पिता मना कर दिए, माता भी मना कर दिए, ये तुम्हारा लिए कितना तकलीफ सहन किया, तुम्हारा बीमार के लिए मैंने अपना खान पान छोड़ दिया, और आज तुमने पाप का भागीदार बनाने के लिए आए। पत्नी को पास गया, पत्नी भी कहने लगी आप जब शादी किया था क्या संकल्प किया था? देवता का सामने में, अग्नि का सामने में, ब्राह्मण का सामने में, रिश्तेदार का सामने में संकल्प करके हाथ पकड़ा, पानी ग्रहण किया पालन करने के लिए, तभी पति बना। मैं तो सह धर्मिनी, धर्म का साथ देने वाली, और आप जो पुण्य कमाओगे उसका आधी मेरा है,
मैं जो कहूंगा इसको भी तुम्हारा आदि है, ऐसा संकल्प दोनों ही किया। आज बाप का भागीदार बनाने के लिए आया, ये तो शादी का पहले संकल्प का वक्त ये बात बोला नहीं, ये नया बात कहां से आ गया? तो बड़ा भयभीत होकर आ गया, ये पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा? तो बोला तुम राम नाम करो। राम नाम बोल नहीं सकता, किस लिए नहीं बोल सकता? इनका जो बात इनमें राम सैंग है, इसलिए नहीं बोल सकता। और इससे भगवान ये भी साबित करा, क्या साबित किया? न तुमने पेड़ को दिखाया ये कैसा, बोले मोरा है, मर गया वो, बोले मोरा ही जपो, उससे राम नाम का सिद्धि हुआ। क्यों सिद्धि हुआ? वो नारद ने बोला मोरा जपने से हुआ नहीं, नारद ने बोला इनका बात पालन से हुआ। तो देखो महिमा, कैसा भी जाओ, लूटने के लिए जाओ, मारने के लिए जाओ, तो साधु गुस्सा में आया ना, उनका मंगल ही सोचा। क्यों सोचा? ना उनका संबंध ज्ञान से। संबंध ज्ञान कैसे? ये तो मेरा प्रभु का ही है, जितना भी प्राणी आया कहां से? भगवान से। किसी को लड़का पागल हो गया, अगर घर का सामान तोड़ फोड़ करते हैं तो क्या उसको गोली से मारेगा? ना इलाज कराएगा, इलाज कराएगा। तो ये तो हमारा प्रभु का है, इनको कैसे मंगल करो? इसका मंगल कर दिया। इसलिए तितिक्षु भवे कारुणिक करुणा, और सूरी तो सर्वदेही नाम, सब देही का सूरी दे, एकला मनुष्य का सूरी ये नहीं, पशु पक्षी सबका। अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु पैदा हुआ नहीं। पैदा हुआ नहीं मतलब किसी को शत्रु दिखता ही नहीं, तो पैदा कैसे होगा? शांतो, शांतो किस लिए? ना एक कृष्ण भक्त है इसलिए शांत। अशांत क्यों होता है? ना अपना जो मांग, आंखों का, नाक का, त्वचा का, कान का, जीवा का, ये पूर्ण जब तक नहीं होता है जब शांत होता नहीं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उनका मांग रहता नहीं, इसलिए शांत। इसलिए साधु बोले तो कृष्ण भक्तों की ही समझा जाएगा। दूसरे को नहीं, नाम नारायण को सेवा करती है लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी तो संत नहीं, संत नहीं है, प्रमाण कर सकता है? जब कृष्ण का मुरली ध्वनि सुने तो लक्ष्मी चंचल हो गई, वृंदावन में आकर तपस्या करने लगी, लेकिन मिला? मिला नहीं। और गोपियां को भगवान कृष्ण ही नारायण रूप से दर्शन दिया, रासस्थली से जब भाग गया था, ये लोग उनको प्रणाम करके चल दिया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। देखो नारायण मिल गया, लिया नहीं। और उन्होंने नारायण को मिला था वो कृष्णों के लिए लालसी, चंचल हुआ, शांत नहीं हुआ। साधव साधु भूषण, साधु का साधुता ही आभूषण, कैसा पोशाक पहनने से साधु होता है ऐसा नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी जब काशी में आया तब उस वक्त चैतन्य देव ठहरा था चंद्रशेखर बुद्ध का घर में,
चंद्रशेखर को बोला देखो बाहर में कोई वैष्णव है उनको बुला के लाओ। उन्होंने जाके लुट के आ गया। क्या बोला? प्रभु कोई वैष्णव नहीं है। कोई है? बोले एक दरवेश है, एक दरवेश है। तो उन्होंने बोला वो उनको बुला के लाओ। उन्होंने जाकर कहने लगे दरवेश प्रभु तुम्हें बुला रहा है। उन्होंने आया, दाढ़ी देखा और लुंगी पिना हुआ। ये तो मुसलमान दरवेश है इसलिए दरवेश देखा। अब प्रभु उनको जबरदस्त अपने पास बैठाया, शरीर को मर्जना किया और पूछने लगा कैसे आया। ये सब देख के हैरान रह गया। दरवेश को प्रभु अपना पास बैठा लिया। ये वैश्य साधु बना ऐसे नहीं, साधु वो सुना। सुखदेव परीक्षित जब प्रायपवेशन किया सुखताल में, शुक्रताल में, कब? जब ब्रह्म शापग्रस्त हुआ और ये बात उनका पास पहुंच गया। सोमेघ ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने उनको सांप दिया सप्तम दिवस में तो खग दंशन से उनका मौत होगा। तब सभी ऋषि मुनि इन्होंने तो सब छोड़ छाड़ के पुत्र को राजत्व संभालने के लिए आदेश देकर उत्तर दिशा में चल दिया। एकांत स्थान वट वृक्ष का नीचे शाम को वक्त बैठ गया गंगा का किनार पर। अभी परीक्षित महाराज प्रायपवेशन किया, सभी ऋषि मुनि उनको कृपा करने के लिए हाजिर हो गया। सभी अपना अपना साधन अनुसार, विचार अनुसार उनको तरीका बताने लगा। कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं ज्ञानानुसरण करो, ब्रह्म चिंतन करो। परीक्षित महाराज बड़ा चिंतित हो भगवान को स्मरण किया। अचानक सुखदेव गुस्से में आया, 16 साल उम्र, शाम वर्ण, रास्ता से जब आ रहा था बच्चा लोग कोई थूक दिया, कोई धूली मारा, कोई रोड़ा मारा, किस लिए? ये पागल चल रहा है। जब वहां हाजिर हुआ सबने खड़ा होकर स्वागत किया। तो साधु का क्या भूषण है? सद्गुण। उस सद्गुण से ही ये सब खड़ा होके उनको संवर्धना किया, ऊंची आसन में बैठाया। तब परीक्षित महाराज उनसे जाकर प्रार्थना किया, हमारा यही अवस्था, आप मुझे आदेश कीजिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला अब भागवत सुनो। कौन से सुखदेव? जो माता का गर्भ में 16 साल रहा था वहां से निकले गई नहीं। किस लिए निकलेगा नहीं? ये माया का राजत्व है, माया असर करेगा। उन्होंने कहते हैं, कौन कहते हैं? व्यासदेव, ये देखो तुम्हारे ऊपर माया का असर होगा नहीं। बोले आपका बातों में मैं विश्वास रखता नहीं, जिनकी माया वही भगवान कहे तो मैं विश्वास करूं। तो भगवान को ले गया, प्रार्थना करके भगवान ने बोला माया का राजत्व में आओगे और माया तुम्हारे ऊपर असर करेगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना वक्त के लिए आसक्ति तुम्हारा माया का असर होगा जब गौ का सींग पर एक राई का दाना रख दे, वो जितना वक्त तक टिकेगा उतना वक्त,
तब सुखदेव बाहर है। राई का दाना देगा वो टिकता नहीं उतना वक्त, लेकिन टिकता है उतना जिसका हम परिमाण नहीं बता सकता। वही सुखदेव जब पैदा होकर भागने लगा, व्यासदेव पीछे पीछे जाने लगा, पुत्र 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 शब्द तो बोला नहीं, वत्स, लेकिन उन्होंने नेगा भी नहीं दिया, ऐसा बेटा। लेकिन वही सुखदेव परीक्षित को कृपा करने के लिए बिना बुलाए हाजिर। इसलिए कारुणी को हरिभक्ति जितना प्रबल होगा करुणा इतना प्रबल। उन्होंने आके बोल दिया, मैं कहता हूं भागवत सुनो। कोई ऋषि मुनि आपत्ति कर सका? और उन्होंने सुनाया। तो ये जो आया ये बेस से सुन पचाना, ये साधु साधवो साधु भूषणा, यह है सब बाहरी लक्षण। अंतर लक्षण क्या है? मई अनन्य भावेनो भक्ति कुर्वन्ती जैनम्। भगवान में अनन्य भक्ति ही साधु का स्वरूप लक्षण। मदर्थे त्यक्त कर्मणा, जो हमारा लिए कर्म त्याग दिए वो साधु है। घर में बनता नहीं उसने त्याग किया वो साधु नहीं, भगवान के लिए त्याग दी साधु। मदर्थे त्यक्त कर्मणा, त्यक्ता सजनो बंधवा, अपना रिश्तेदार वगैरह को त्याग दिया, आपस में मिलता नहीं ये साधु नहीं, लेकिन भगवान के लिए त्याग दी वो साधु। मदाश्रया कथा मृष्ट श्रृणवंती कथंती, हमारी कथा सुनेगा कीर्तन करेगा वो साधु। भगवान के कथा श्रवण कीर्तन नहीं है वो साधु नहीं। किस लिए? श्रवणादि क्रिया ये भक्ति का स्वरूप लक्षण। भागवत में बताया, धर्मो सनुष्ठित पुंसं विश्वक्षेन कथास यत् नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव ही केवलम्। धर्म को यथाथ पालन करते हैं, कुछ कमी नहीं, सुंदर रूप से अनुष्ठान करते हैं। कौन सा धर्म? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, जो जो क्रिया करते वो धर्म, जो ज्ञान तपस्या सब। लेकिन भगवान में कथा रुचि ना हो इनका श्रम बेकार। इसलिए भगवान की कथा भगवान अभिन्न है। जब भगवान में ही रुचि नहीं है इससे क्या फायदा, ऐसा बताया। तो ये बताया वही हरि भक्ति देने के लिए चैतन्य देव अवतरण किया, और उसलिए ये लेने के लिए योग्यता देने के लिए क्या शिक्षा दिया, शरणागति सिखाए। शरणागति ये कौन है? ना भक्तों का प्राण। अगर जिसका प्राण नहीं है इसको क्या कहते हैं? मुद्दा। इनको स्पर्श करे तो स्नान, यज्ञोपवीत इसको भी बदलो, वहां गया श्मशान में। जिसका शरणागति नहीं है उनको देखने से भी स्नान करने पड़े। इसलिए रामानुज संप्रदाय लोग शंकर संप्रदाय के देखे वो दिखता नहीं, स्नान करने पड़ेगा, उसको बोलते स्मार्तो। मैं जब यहाँ था तो वही ऐसा ही बोलता था, वो देखेगा नहीं, कभी भी शिव मंदिर में जाएगा नहीं रामानुज वैष्णव।
इसलिए बोला था कौन रामानुज, बघ्रेनो खद्दुमानो भी न गच्छित शिव मंदिर, अगर तुमको शेर ने खा ले वो अच्छा है तब भी शिव मंदिर में जाना नहीं। ऐसी बात, यह प्रतिक्रिया। वो लोग कभी भी ये नहीं जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएगा, वो दर्शन करेंगे। ऐसी बात, वंशा कल्पति कृपा सिंधु भये बचे, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जो कुछ है बताओ। प्रश्न ये है कि सुकृति में और पुण्य कर्म में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पुण्य कर्म होता है तुमको भोग देगा और सुकृति में साधु संग देगा। इसीलिए तीन किस्म का बात है, एक कर्मोन्मुखी सुकृति, एक भक्तिन्मुखी सुकृति, एक ज्ञानोन्मुखी सुकृति। सभी सुकृति है लेकिन जिसलिए पंकज बोलने से किसको समझा जाएगा? पंकज शब्द बोलने से किसको समझा जाता है? कमल को। क्या दूसरी सापला पंकों से पैदा नहीं होता? छोटा छोटा है फूल, बहुत किस्म का जल पुष्प है, तो पंकज बोलने से उनका ही क्यों बोलते हैं? जो पांख से जन्म लेता है ना, वो प्राधान्य है, वो प्रधान, उनका श्रेष्ठत्व है। इसी माफिक उसको अलग करने के लिए उसको बोलता है सुकृति, बाकी को बोलता है पुण्य। लेकिन सभी है, सभी अच्छा क्रिया। ये कर्म का तरफ ले जाने वाला अच्छा, ज्ञान का तरफ ले जाने वाला अच्छा, भक्ति कर्म तरफ ले जाने वाला अच्छा। हाँ हमको क्या देखने दो, कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं बात होता है, हमको देखने क्या जरूरत है, हमारा बोलने की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं। ये जो है ठीक है, हमको उत्तर मिल गया। अच्छा नहीं नहीं वो तो हुआ, वो तो बंद कर दिया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हो गया। अच्छा ठीक, तो बात होता है कि ये जो कीर्तन बोला सिर्फ शरणागति के बारे में थोड़ा बोला, इसीलिए ये होता है प्राण भक्तों का, जिसको नहीं रहता है वो प्राण नहीं है। शरणागति क्या? आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षसती इति विश्वास गुप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये छह है शरणागति। वहाँ बोला षडंग शरणागति हुई बेजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार किसको प्रार्थना सुनेंगे? जिनका इच्छे शरणागति होगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु का अत्याचार से बचने के लिए देवतालोक भी चाहता था जो भगवान इसको खत्म करे, मार डाले, कि देवता को प्रार्थना सुना भगवान, किस लिए? उनका शरणागति नहीं है। कोई देवता ब्रह्मा तो भगवान का आज्ञा से ही बना ब्रह्मांड का अधिपति, भगवान का पद्धति मान के ही, योग्यता मान के इंद्र स्वर्ग का राजा बना उनका अधीन, संहार करने के लिए एक ड्यूटी मिला शिव का उनका अधीन, तो कोई भी लौकिक जासे का
नरसिंह भगवान का पास जा सकेगा कोई? तब क्या करेगा? कोई नहीं जा सकता है। ब्रह्मा ने भेजा किसको? प्रह्लाद को, जाओ तुम्हारा प्रभु को शांत करो। प्रह्लाद तो ब्रह्मा का श्रेष्ठ प्राणी है, वो तो पितामह ब्रह्मा। प्रह्लाद भयभीत हुआ? क्यों भयभीत हुआ नहीं? शरणागत तो भय होता ही नहीं। किस लिए? तुम्हारा मर्जी मारो रखो, तुम्हारा पूर्ण अधिकार है हमारा प्रति, इसलिए किस क्यों डरेगा? वो स्तुति किया, भयभीत तो बिल्कुल भयभीत हुआ नहीं। नरसिंह भगवान उनके सिर पर ही हाथ रखा, सब ने देखा और उनको बोला तुम अपना मनचाहा भर लो। बोला नहीं तो तुम ये लो, ये करो, तुम्हारा जो मनचाहा, मन जो चाहता है वही वर मांगो। उन्होंने क्या बोला? मैं तो वर के लिए आपको सेवा किया नहीं, सेवा के लिए ही सेवा किया, तो मुझे इसमें भी वर देने के लिए क्यों लुभाते हैं? बोलता है देखो तुमने वरदान ना ले हो तो हमारा नाम पर कलंक होगा। क्या कलंक होगा? जे इनका आराधना करने वाला को कुछ मिलता नहीं, आपका कलंक होगा, इसलिए मैं वरदान मांगता हूं। आप ऐसा वरदान दीजिए जना मारा दिल में कभी बौर का लिए इच्छा पैदा ना हो, यही वरदान दे। तेरा दिल में तो है ही नहीं, ये बात बोलने से क्या फायदा? तब क्या बोला? जे मेरा पिता हिरण्यकशिपु जो आपको विरोध किया उनका अकल्याण ना हो। प्रहलाद उनका कल्याण मांगते हैं और पिता इनको मरने के लिए कोई कसूर छोड़ा? सांप से दसाया, आग से जलाने के लिए कोशिश किया, माटी खुद के दबाया, हाथी का पैर से कुचलने के लिए दिया, क्या छोड़ा कसूर? जहर पिलाया, जब नहीं मरा और किसी ने ना मार सका तो खुद मारने के लिए तैयार हुआ, तभी तो नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। किसी ने मारने का पहले वो पूछा कि मेरा सामने में कोई भी देवता खड़ा नहीं हो सकता और तुमने निडोर होके बराबर बातें करते हो, तागो तेरे को आता है कहाँ से? बोले आपको जहाँ से मेरा भी वही, वो कहाँ है? सर्वत्र है, मैं तो देखते नहीं। बोले मैं तो देखता हूँ। क्या स्तंभ के अंदर में है? बोले हाँ। तभी उसको फोड़ा, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। तब भी समझाओ क्यों नहीं समझा? जो भगवान का समझने के लिए देखने के लिए प्रेमो नेत्र जरूरत है, यह छोड़ के देखा नहीं जाएगा। जैसे रात में सुनाया ना, स्वप्न में दिखता है घर बंद है, अंधेरा है, तब भी तो दिखता है मनोमय शरीर, उनका अलग आंख है। इसी में भी भगवान को देखने के लिए अलग आंख होता है। यह दो किस्म का, एक दिव्य नेत्र, एक होता है प्रेम नेत्र। दिव्य नेत्र से ऐश्वर्य युक्त तो भगवान को दिखेगा, आप प्रेमो नेत्र में माधुर्य मैं भगवान को दे। ये प्रेमो नेत्र है ब्रजवासियों का, प्रेमिक भक्तों का, और दिव्य नेत्र अर्जुन का। ये भी सोखा आप ब्रजवासी भी सोखा होने से इनका है दिव्य नेत्र। इसलिए ये भगवान को देखकर ये कहने लगा मैं अपराध किया हूँ, एक साथ में बैठा, भोजन किया, शयन किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका शिष्य हूँ, जो बोलोगे सो करेंगे। लेकिन ब्रजवालों को ही बोला, बोला नहीं, जब गोवर्धन को धारण किया ब्रजवालों क्या बोला? वो अकेला थोड़ी धारण किया, हमने बराबर साथ दिया, अपना डंडा लगा दिया,
उनसे कम नहीं है, इसलिए सोका है, बराबर है। उसका बाद भी उनका कंधा पे चढ़ा, इसलिए खेल में हारा, और जब जीता कंधे में लिया। कभी भी कृष्ण का महिमा देखा नहीं, यह प्रेम नेत्र। क्या यशोदानंद देखा कृष्ण को महिमा? जब कालियों को दमन किया था, कालियों ने उनको पकड़ लिया था, और कृष्ण खामोश था, ब्रजवालोक सब रोने लगा, सारा ब्रजमंडल में फैलाव हो गया, कृष्ण को कालियों नाग ने लपट लिया, अभी शायद खत्म हो गया। सभी भाग के आया, नंद महाराज उनको छोड़ा सेका कालियों नाग से, क्या बोला, बेटा क्यों गया था, बोल के दुखी हुआ, क्या करेंगे, सभी छलांग लगा के प्राण विसर्जन दे देंगे। बलराम निषेध, खबरदार, उसका बाद ही कृष्ण छलांग लगा के कालियों का बंधन से ऊपर चला गया, और कालियों नाग जो डसने के लिए सिर उठाया उसको दबा दिया। कृष्ण का चरण कितना है? दो। और कालियों नाग का सिर कितना है? 1000। तो 1000 को दो पैर में दबाने के लिए कितना जल्दी करने पड़ता, ऐसा करने लगा जैसे नृत्य करते हैं। नृत्य करने वाला को कपड़ा देखा नहीं जाता, ऐसा सर्कल देखा जाता है, ऐसा ही हुआ। और जो सिर को दबाते हैं उनसे खून उल्टी होता है, आंखों पलट गया, अब मरेगा। उनका पत्नियां छोटा छोटा बच्चा लेकर आ गई, सब तो अनाथ बनेगा। आके कृष्ण का महिमा कीर्तन किया और क्या बोला, ये इतना बड़ा भाग हुआ कालियों का, जो चरण को लक्ष्मी को मिला नहीं और वो उनके सिर में मिल गया। भागवत में कहते हैं कुशानुभावस्य नदीव विद्महे, हे देव ये दिमाग में आता नहीं, समझ में आता नहीं, क्या तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, आपका पैर का धूल उनका स्पर्श करने के लिए अधिकार मिल गया। जद मंचया श्री ललना आचरत्व, जिनको प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी तपस्या करके, लक्ष्मी को मिला नहीं और इनको मिल गया, भगवान संतुष्ट होकर उनको छोड़ा और बोल दिया तुम यहाँ से चला जाओ, ये प्रभु मैं जाने से तो मुझे खा लेगा। कौन? गरुड़। क्यों खाएगा गरुड़? ये गरुड़ का कौन है? भाई है। ये है किसका लड़का? कोद्रु का लड़का है कालियो, और विनोद का लड़का है, पिता कौन है? कश्यप। अभी आपस में तो भाई, वो क्यों खाएगा? इसका भी कारण है गुस्सा। गुस्सा क्यों हुआ? ना कोद्रु और विनोता में शर्त लगाई थी, ये जो समुद्र मंथन से आया, कौन आया? घोड़ा। उसका कलार कैसा है? जो सही बोलेगा आज, जो हार जाएगा, हारने वाली उनको जिंदगी भर सेवा करेगी, नौकरनी बनेगी। अभी सात बात हो गया विनोता का। तब कोद्रु ने अपना संतान को बुलाया, देख मुझको जिंदगी भर सौतिन का नौकरनी बनना पड़ेगी, शर्तों से उनका जीत हो गया। तो सांप ने उसको लपट लिया सारा शरीर में, अब उनका सफेद रंग रहा नहीं, सांप का रंग आ गया, सिर्फ आंखों को बांध दिया, आंखों तो होता ही नहीं सफेद। तब क्या हुआ ना, उन्होंने जीत दिखाया,
उनका जीत हुआ और ये नौकर नहीं बने। तब गरुड़ बोला, हमारा माता को छोड़ दो, छोड़ेगा नहीं। तब शर्त से छोड़ा, समुद्र मंथन में जो अमृत मिला वो हमको खाने के लिए दे दो तो तुम्हारा माता को छोड़ दे। वो भी अमृत लेके दिया। देवता लोग देखा ये सांप अमृत खाएगा, तो देवता लोग उनका क्या समझाया, अमृत खाने का पहले स्नान करके पवित्र हो क्या हो, इसको रख के जाओ यहाँ। कुसा में रख के गया, उस उठा के लेके चला गया देवता लोग। वो स्नान करके जब खाया और कुसा से जीव दो फाड़ हो गया, इसलिए सांप का है दो जीव, सबका एक लेकिन सांप का दो। हाँ देखना, वो जब करेगा दो जीवा निकलता है, सांप देखा नहीं कभी। कुसा में वो चाटा, वो कुसा से उसको फाड़ दिया। अभी देखो बाद में गरुड़ को मालूम पड़ा जे छल कपट से उनको माता के इतना रोज दासी बना के रखे, ये सब को मैं भोजन कर लूंगा। जैसे भीम क्यों बोला था, दुशासन का खून पिएंगे, ये क्षत्रिय नहीं है, ये क्षत्रिय का काम है आदमी को खून पीना। जबरदस्त गुस्सा ऐसे ही। तो ये होने से भी कभी नंदो महाराज जशोदा ये समझे ये कृष्ण उनका बेटा नहीं है, भगवान है, नहीं समझे। अभी देखो उठ के आया तो भगवान भी कैसे लीलामय, देखो कैसे लीलामय, आंखें कांपने लगा। वो कहाँ इनका विरोध तो देखेगा, अभी बच्चा कांप रहा है, बाल बाल बच के आया ब्राह्मण का आशीर्वाद से, बच्चा को महिमा नहीं देगा। शुद्ध ब्राह्मण ने बोला था नामकरण का वक़्त, नारायण समो गुना, ये ब्राह्मण का बात झूठ होता नहीं, तभी बच्चा बात। अभी कृष्ण क्या लीला दिखाया, बहुत ठंडा में जम गया। अभी धूप चला जा रहा है, ऊपर में पहाड़ का ऊपर धूप है, वहाँ जाकर के बैठा। जब बैठा तब 12 सूरज आ गया, 12 महीना का 12 सूरज है, ये 12 आ गया प्रभु सेवा के लिए। उनका शरीर से पसीना निकला, वो जाकर के यमुना में शामिल हुआ, इतना पसीना आया। उसको बोलते हैं प्रस्कंदन तीर्थ, और वो टीला का बोलते हैं द्वादश आदित्य टीला। अभी देखो वो कैसे समझेगा इनका महिमा, आके कांपने लगा। उससे स्नेह वात्सल्य और बढ़ गया, कमती तो हुआ ही नहीं, शिथिल तो हुआ ही नहीं, बढ़ गया, दृढ़ हो गया। उससे रात को कैसे सोआ, उनको बीच में रखकर सब घेर के सोआ, क्यों आफत आ जाए तो हमारे ऊपर आ जाए, उनको ऊपर क्यों जाएगा। एक लड़का है वो भागवत पढ़ता है, तो मैंने जब बोला तो बोला ऐसा तो नहीं है तुम भागवत पढ़ा, बोला हाँ रोज पढ़ता हूँ, लाओ तो। तो ऐसा देर इसको बीच में रखने का क्या मतलब है, किस कारण बीच में रखा, तब समझ में आया। आप लोग जानता है उनको, नाम नहीं बताऊंगा, जानता कि नहीं, नाम बताएंगे तो। मधुसूदन मल के साथ रहते हैं आदि के सब नाम है, जानता है वो लड़का, जानने के लिए रुचि है। लेकिन इसलिए बोला भागवत वैष्णव का पास पढ़ो,
आप पढ़ोगे समझोगे नहीं।